नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। भोपाल, राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में किसान सत्याग्रह के आयोजन के पहले ही किसान यूनियन के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पार्क को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन का दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की हिटलरशाही चल रही है। वहीं भोपाल DIG ने गिरफ्तारी को लेकर कोई सीधी बात नहीं कही है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि किसान नेताओं से बातचीत चल रही है। आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव ने कहा कि शिवराज सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ तानाशाही कर रहे हैं, आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन की अनुमति नहीं मिल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की हिटलरशाही चल रही है, उसका हम विरोध करते हैं। काले कानून के विरोध में जेल में रहना पड़ा तो जेल में भी रहेंगे, लेकिन काला कानून वापस करा कर रहेंगे। नेताओं को कल गिरफ्तार किया गया है। आज हम मांग करते हैं कि नेताओं को तत्काल रिहाई की जाए और किसानों के हर अधिकार दिया जा रहा है। प्रदेश के किसान अन्नदाताओं की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और आज किसान दिवस है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार ने ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक थाने में अलर्ट है, कोई किसान बाहर नहीं आएगा। कल से लगातार गिरफ्तारी हो रही, हजारों की तादाद में किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ जिला प्रशासन ने कहीं बैठने की अनुमति नहीं दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पे निर्मित हो रही है। ये जिस तरीके से किसान अन्नदाता क्या मांग कर रहा है, उसका लागत का मूल्य दिया जाए। जब उसका लागत का मूल्य भी आप नहीं दोगे तो किसान दिवस और किसान की बात सुनने का कोई अधिकार नहीं बचा। तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। ये आवाज़ किसान उठा रहा है। किसान मांग क्या कर रहा है, एक हमें छोटी सी जगह नीलम पार्क भोपाल का ऐसा स्थान है जहाँ पूरे प्रदेश के आंदोलन होते हैं। यदि किसान वहाँ बैठ जाएगा, पूरे देश की राजधानियों में बैठा है, रायपुर में भाटापारा में बैठा है, लखनऊ में बैठा है, दिल्ली के ग्राउंड में बैठा है, हरियाणा में बैठा है, पंजाब में बैठा है, तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी एक जगह निर्णय करना चाहिए या किसान अपनी बात उठा सके। उसके लिए सरकार को तत्काल नहीं तो हाईकोर्ट जाएंगे। विपक्ष की तरफ से किस तरह की कदम उठाए जाएंगे? देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पे प्रदेश में प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है, किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं आज किसान के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, मैं किसान भी हूँ और मैं खेती स्वयं करता हूँ, इसलिए किसानों की आवाज़ को कुचला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के साथ हम सब लोग हैं। बात करना था किसानों से तो कानून के पहले बात करना था, राज्य के मुख्यमंत्रियों से पहले बात करना था, किसान संगठनों से पहले बात करना चाहिए। अब जबकि कुछ बचा नहीं है इनके पास, किसान मान नहीं रहा है, इनको डैमेज कंट्रोल की स्थिति संभल नहीं रही है, देश में इनके नुकसान होता जा रहा है, उसके बाद बात करने से कोई मतलब नहीं। अब किसान ने तो कहा है कि आप कानून वापस लोगे, हाँ या ना में जवाब दो, आप वापस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। काले कानून वापस लेना होगा और किसानों की बात सुनना होगा। ठीक है। पूरे हमारे देश के अन्नदाता पूरे देश भर के दिल्ली में आज डटे हुए हैं। पिछले 27 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार अपनी मांगों को लेके, उनकी मांगों को लेके कहीं पे भी कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है, बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रही है। स्थिति यही है देश भर में। इस आंदोलन को हम लोग ताकतवर बनाने के लिए आज उसी आंदोलन के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ तमाम तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दायरे में रहते हुए हम लोगों ने यहाँ एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। हम सभी जानते हैं हम एक आज़ाद देश में हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया है कि लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत आप अपना शांतिप्रिय तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज इतनी दुख की बात है कि आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस लोकतांत्रिक अधिकार को भी हमसे छीन रही है। आज हमने नीलम पार्क में एक शांतिप्रिय प्रदर्शन का, सत्याग्रह का आयोजन जो किया था, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं, आप सब मीडिया के भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या बंदोबस्त है, किस तरीके से पूरे जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है उसको सील कर दिया गया है, भारी पुलिस तैनाती है,
कल रात से ही हमारे जितने भी किसान भाई अलग अलग राज्यों से यहाँ उपस्थित हो रहे थे, अलग अलग जिलों से यहाँ आ रहे थे, सभी को अलग अलग तरीके से अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है, चेकिंग की जा रही है। 3 हमारे किसान लीडर्स को भी उन्होंने कल रात को ही अरेस्ट कर लिया है। तो ये है पुलिस की पूरी तरीके से नाकेबंदी। पूरा इरफान जाफरी साहब हुए हैं और बाबू भाई हुए हैं, विजय और विजय कुमार हुए हैं। ये 3 संगठनों के नाम बताएंगे। तो इसमें काफ़ी किसान संगठनों का हमारा एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है और हम लोग इन्हीं मांगों को लेके कि 3 कृषि विरोधी जो काले कानून सरकार ला रही है इसको तुरंत वापस किया जाए और जिस तरीके से ये जो प्रक्रिया चलाई जा रही है इसको तुरंत से तुरंत इसको निपटारा किया जाए, इनकी बात मानी जाए, MSP को लीगलाइज किया जाए, कानूनी रूप दिया जाए, 1.5 गुना ऐड करके जो एक मांग सरकार से जायज़ मांग किसान कर रहा है इसको कानूनी रूप दिया जाए, इसी को लेकर आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर अभी आज के कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए किसी को भी यहाँ बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बचता है। जहाँ तक ये है कि किसान संयुक्त मोर्चा के आने वाले थे तो अभी तक तो किसान संयुक्त मोर्चा के लोग नहीं आए हैं। अभी कुछ किसान लोग जो भी आए थे और जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। सर कहाँ ले जाया गया इनको? ये अभी पुरानी जेल जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं क्या करना उनके लिए। सर कल 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी लेकिन उनसे अभी उनके बारे में कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। नहीं, अभी बाबू सिंह राजपूत हैं, विजय यादव जी, अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक, मैं दिखवा देता। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।